नमस्कार, पक्ष विपक्ष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 6 दिन के लिए अमेरिका गए हुए हैं। राहुल गांधी का विदेशी दौरा हमेशा भारत की राजनीति में उफान लेकर आता है। इस बार भी ऐसा ही हुआ, जहां उन्होंने बुधवार को भारतीयों से बातचीत की। इस दौरान कभी पीएम मोदी को निशाना बनाया तो कभी सरकार पर हमला किया। इतना ही नहीं, उन्होंने ये तक कह डाला कि मोदी भगवान को भी बता सकते हैं कि क्या करना है। इस पर अब भाजपा ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ सकते हैं, वो भारत का अपमान करने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। हर विदेश यात्रा में वे अपनी गलतियों को दोहराते हैं। इस बीच कैलिफोर्निया में राहुल गांधी के भाषण के दौरान एक मौके पर कुछ लोगों को खालिस्तान समर्थन में नारे लगाते हुए भी देखा गया। अब इस पर भी विवाद खड़ा हो गया। रिपोर्ट देखें। वैसे तो राहुल अमेरिका में मोहब्बत की दुकान खोलने गए थे, लेकिन मोदी सरकार के प्रति अपनी नफरत छुपा नहीं पाए। इसके बाद वही हुआ जिसका बीजेपी को डर था। राहुल विदेश गए और वहीं से देश की मोदी सरकार पर करारा हमला कर दिया। राहुल गांधी ने पीएम पर निशाना साधते हुए कहा, कुछ लोग भारत में ऐसे हैं जिनको लगता है कि वो सब कुछ जानते हैं और वो भगवान से ज्यादा जानते हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी भगवान के साथ बैठकर उनको समझा सकते हैं कि आखिर ब्रह्मांड कैसे काम करता है। मोदी जी अगर भगवान के साथ बैठ जाएं तो भगवान भी चौंक जाएंगे कि उन्होंने क्या बना दिया है। Some months ago, we started a walk from Kanyakumari to Kashmir. Prior to walking, we were finding that the normal tools that we used to use for politics, conversations like this, public meetings were simply not working anymore. All the instruments that we needed to do politics in India, they were controlled by the BJP and the RSS. दरअसल अमेरिका के 6 दिवसीय दौरे पर गए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को कैलिफोर्निया के सांता क्लारा में भारतीय प्रवासियों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में बीजेपी नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला किया। राहुल गांधी ने कहा, बीजेपी सरकार लोगों को और विपक्षी नेताओं को डराने धमकाने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसियों जैसे कि ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करती है। उन्होंने कहा, जो नेता भी केंद्र सरकार के खिलाफ बोलता है, सरकारी एजेंसियां उन नेताओं के पीछे पड़ जाती हैं। Not to be under the impression that you know everything. That the world is too big, too complicated for any one person to think that he understands everything and he knows everything. And so really that is the disease that Sam sort of outlined. That is the disease that we have a group of people in India who are absolutely convinced they know everything. In fact, I think they think maybe they know even more than God. They could sit down with God and have a conversation and explain to him, you know, about what is going on. And of course, our Prime Minister is one such specimen. अपने संबोधन में राहुल ने बीजेपी को हिंसावादी पार्टी करार दिया। वहीं मीडिया पर भी सवाल उठाते हुए उसे बीजेपी के लिए काम करने वाला बता दिया। साथ ही राहुल ने विदेश की धरती से भाषा विवाद को भी हवा दे दी। इस दौरान भारत में मुस्लिमों की सुरक्षा के सवाल पर उन्होंने कहा, जिस तरह मुसलमानों को लग रहा है कि उन पर हमला हो रहा है, मैं गारंटी दे सकता हूं कि सिख, ईसाई, दलित, आदिवासी भी ऐसा ही महसूस कर रहे हैं। भारत में मुस्लिमों के साथ आज जो हो रहा है वो 1980 के दशक में दलितों के साथ हुआ था। वहीं राहुल के भाषण के दौरान भारत विरोधी नारे लगे। राहुल के संबोधन के मौके पर कुछ लोगों को खालिस्तानी समर्थन का नारा लगाते देखा गया। जब राहुल गांधी भाषण दे रहे थे तो इस बीच खालिस्तानी समर्थन के नारे लगाना शुरू हो गए। इस पर कांग्रेस नेता मुस्कुराते देखे। इस पूरे वाक्य का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो के नारे से इसका जवाब दिया, लेकिन अब राहुल गांधी के मुस्कुराने पर सवाल उठने लगे हैं। उधर राहुल के बयान पर बीजेपी की त्योरियां चढ़ गई हैं।
केंद्रीय खेल मंत्री और बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ सकते। वो भारत का अपमान करने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। हर विदेश यात्रा पर वो अपनी गलतियों को दोहराते हैं और इस बार की प्रायोजित ये विदेश यात्रा भी उसी दिशा में है जहां वो अपमान तो प्रधानमंत्री मोदी जी का करना चाहते हैं लेकिन अंत में देश का अपमान करने से नहीं हटते। पूर्व में भी आप देखें वो भारत को एक राष्ट्र ही नहीं मानते, वो तो राज्यों का संघ कहते हैं और भारत के बढ़ते कदमों पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। आखिरकार राहुल गांधी जी विदेश में जाकर क्या पाना चाहते हैं? इस प्रायोजित कार्यक्रम के अंतर्गत वो क्या प्राप्त करने गए हैं? क्या देश के ऊपर कीचड़ उछालना ही उनका एक काम रह गया है? अंतर देखिए, जब जब राहुल जी बाहर गए तब तब उन्होंने देश के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े किए, देशवासियों के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े किए और मैं एक तरह से कहूं जो साख भारत की आज पूरी दुनिया भर में बढ़ रही है उसको कहीं ना कहीं गिराने का काम लगातार राहुल गांधी जी करते हैं। दरअसल पिछले विदेश दौरे के दौरान लंदन में राहुल ने भारतीय लोकतंत्र पर सवाल खड़े कर दिए थे। राहुल ने कहा था कि भारत में विपक्षी दलों के नेताओं को संसद में बोलने नहीं दिया जाता, उनकी माइक बंद कर दी जाती है। इतना ही नहीं, उन्होंने इस मुद्दे पर दुनिया के बड़े देशों से हस्तक्षेप की मांग भी की थी। राहुल गांधी द्वारा लंदन में दिए गए बयान की वजह से देश में खूब हंगामा हुआ। बीजेपी ने राहुल गांधी पर देश की छवि खराब करने का आरोप लगाते हुए माफी की मांग की थी। हंगामा इतना बढ़ा था कि पूरा संसद सत्र लगातार बाधित रहा था। अब एक बार फिर राहुल विदेश दौरे पर बीजेपी और मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। ऐसे में उनके बयान पर देश में फिर से घमासान शुरू हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज़। और चलिए इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास पैनल हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ शबनम पांडे जी हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी की, बहुत स्वागत है आपका। और डॉक्टर टीना करमवीर जी इस वक्त हमारे साथ है, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, आपका भी बहुत स्वागत है टीना जी। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत शबनम जी आपके साथ करते हैं। क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है कि जब भी राहुल गांधी विदेश जाते हैं भारत पर कीचड़ उछालने का काम करते हैं? क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है एक राष्ट्र नहीं समझते हैं राहुल गांधी भारत को? क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है कि सिर्फ और सिर्फ बदनाम करने की कोशिश की जाती है राहुल गांधी के जरिए देश को? नेहा जी, अभी आपका जो डॉक्यूमेंट्री इससे पहले सुना दिखाया जा रहा था उसमें जो कुछ भी दिखाया जा रहा था मुझे लगता है कि आम जनता ऐसा ही सोचती है जैसा कि आपने प्रश्न पूछा है। राहुल गांधी जी निश्चित तौर पे राजनीति में फेल हो गए, तो फेल होने के बाद वो कहीं ना कहीं सारा टेकरा मोदी जी, बीजेपी और भारत पे फोड़ रहे हैं। वो कहते हैं कि अब उस तरीके से राजनीति के वो टूल काम नहीं कर रहे जो पहले किया करते थे निश्चित तौर पे पहले, और राजनीति आसान नहीं रह गया। पहले एक परिवारवाद की राजनीति चलती थी और देश के लोग समझ नहीं पाते थे कि किस तरीके से किसी और पार्टी को हम देंगे और दूसरी पार्टी आके भ्रष्टाचार खत्म करेगी, देश के विकास को रफ्तार देगी और देश का नाम विश्व में उज्ज्वल करेगी। पर राहुल गांधी जी सोचते हैं कि जिस तरीके से उनके पुश्त दर पुश्त प्रधानमंत्री पद पर बैठते चले गए और अध्यक्ष बनते चले गए, शायद देश की राजनीति को वो वैसा ही देखना चाहते हैं कि पुश्त दर पुश्त बैठते चले गए। और वो कह रहे थे कुछ लोग ऐसे हैं जिनको सब पता है, पर मैं कहती हूँ कुछ लोग आज भी राजनीति में ऐसे हैं जो नहीं कुछ होते हुए भी सोचते हैं मैं ही सबसे बड़ा नेता हूं। आज विपक्ष के तमाम नेता होते हुए राहुल गांधी जी अपने को बहुत बड़ा नेता समझते हुए देश में कुछ नहीं कर पाते लेकिन विदेश में जाके भारत की छवि खराब करने की कोई भी एक मौका को छोड़ते नहीं है। जिस तरीके से भारत की छवि को वो खराब कर रहे हैं, भारत को जिस तरीके से वो दिखा रहे हैं कि भारत में आज ऐसा है आज वैसा है, लेकिन विश्व जानता है कि जनता पार्टी को कैसा, कौन से शब्द, कौन सी लाइन सबसे ज्यादा चुभ गई जो आपको लगता है कि देखिए ये बात कह के राहुल गांधी ने देश की छवि को नुकसान पहुंचा दिया?
देखिए कौन सी बात ऐसी नहीं है, आप सबसे पहले अगर वो सोचते हैं कि प्रधानमंत्री केवल बीजेपी का है तो सबसे शर्मनाक बात ये है। जिस तरीके से मनमोहन सिंह जी के समय में उन्होंने पार्लियामेंट में कागजे फाड़ी थी, अधिनियम फाड़ा था, कितनी शर्मनाक बात थी कि एक कांग्रेस पार्टी का बड़ा नेता माने जाने वाला, कांग्रेस के नेता मानते हैं उन्हें बड़ा नेता पर आज भारत नहीं मानता उन्हें बड़ा नेता, ऐसे शर्मनाक काम किए। आज वही व्यक्ति फिर से विदेश जाके अपने देश के प्रधानमंत्री के लिए जिस तरीके की बात कर रहे हैं वो देश के प्रधानमंत्री और उनके भी हैं। इसी पे पहले रिएक्शन लेते हैं, टीना जी भी हमारे साथ हैं। प्रधानमंत्री वही रहेंगे, ये वही बात हुआ कि कोई अगर माता पिता को ना माने और बाहर जाके गाली दे, माता पिता तो वही रहते हैं। तो इस तरह की छवि बनाना एक शर्मनाक बात है, और विपक्ष का नेता होकर अगर इस तरह का काम करते हैं, हालांकि देश ने उनके साथ वैसा ही किया, आज वो ना सांसद रहे ना विधायक रहे, बस परिवारवाद के एक बड़े नेता के नाम पे उनका चेहरा है। ठीक है शबनम जी, मैं लौटती हूँ आपके पास। टीना जी, सवाल इस बात को लेकर, देखिए सबसे ज्यादा आहत भारतीय जनता पार्टी किस बात से हुई है कि प्रधानमंत्री पर सीधा वार किया जाता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री भगवान के साथ बैठकर उनको समझा सकते हैं कि आखिर ब्रह्मांड कैसे काम करता है। मोदी जी अगर भगवान के साथ बैठ जाए तो भगवान भी चौंक जाएंगे कि उन्होंने ये क्या बना दिया। इस तरह की लाइनों का इस्तेमाल करना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ये ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत में डाल रहा है। देखिए पहली बात तो भाजपा को ये समझने की जरूरत है कि अगर देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में कुछ बोला गया तो सरकार के लिए थोड़ी बोला गया है। देश के प्रधान अभी कुछ दिन पहले जो है देश के प्रधानमंत्री जी ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गए थे। आप भाजपा की प्रवक्ता बैठी है, 18 यूनिवर्सिटी ने भारतीयों को, भारतीय जो छात्र हैं उनको वीजा देने से मना कर दिया गया, बैन कर दिया गया है, क्योंकि वीजा फ्रॉड होता है इस वजह से। अब आप इनकी विदेश नीति देखिए, ये तो बहुत विदेश जाते हैं टैक्स पेयर का पैसा खर्च करके, मोदी जी बहुत विदेश दौरा करते हैं, तो इनकी नीतियां ऐसी क्यों है। अब यूएस की बात करें, यूएस के अंदर भी अगर भारतीय छात्रों की बात की जाए तो उनको 5 वर्ष लगते हैं, 5 वर्ष लगते हैं वीजा को क्लियर कराने में कि वीजा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बाकी देशों में 15 दिन के अंदर अंदर उनका वीजा मिल जाता है। तो इसको इस तरीके से देखेंगे कि भाजपा की विदेश नीतियां नीलबटे सन्नाटा है, लेकिन ये विदेश दौरे पे जाते हैं। अब मैं बात करती हूँ अपने नेता के बारे में। देखिए हमारी पार्टी के नेता जो है वो भारतीय प्रवासियों से मिले। अब आप इसे देखिए कि वो जो बात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा में जिस तरीके से देश के अंदर जो नफरत भरी माहौल था, क्यों नफरत भरी माहौल कह रही हूँ मैं, मॉब लिंचिंग किसके समय में आया, मॉब लिंचिंग सबसे ज्यादा दलित मुस्लिम एट्रोसिटी जो बड़ी है वो भाजपा की, मॉब लिंचिंग इतनी बड़ी देश में थी, नफरत हिंदू मुस्लिम। आज आप सोचिए कि कोई अगर आपका दोस्त अगर मुस्लिम है और आपके परिवार को पता चल जाता है तो परिवार सहम जाता है कि आप मुस्लिम लोगों से दोस्ती मत करिए। कैसा माहौल बना दिया है कि देश के अंदर जहां हिंदू मुस्लिम का भाई भाई का एक 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 नारा चलता था, एक मुहिम चलती थी, लोग आपस में एक दूसरे से बहुत अच्छे से मिलते थे। तीरज जी आपने बात छेड़ी है तो मैं ये बता देती हूँ, एक सवाल और उन्होंने कहा कि जिस तरह मुसलमानों को लग रहा है कि उन पर हमला हो रहा है, मैं गारंटी दे सकता हूँ कि सिख ईसाई दलित आदिवासी भी ऐसा ही महसूस कर रहे हैं। भारत में मुस्लिमों के साथ आज जो हो रहा है वो 1980 के दशक में दलितों के साथ हुआ करता था। 1980 में कौन था, किसकी सरकार थी जी? देखिए आप, मैं ये कहना चाहती हूँ कि राहुल गांधी जी से अगर राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी से कभी भी कोई गलती हुई हो तो वो स्वीकार करने में कभी उन्होंने आज तक मना नहीं किया। मतलब आप मानते हैं, कांग्रेस पार्टी मानती है कि दलितों के साथ आप गलत व्यवहार करते थे? आप देखिए क्या कहकर ये सरकार में आए थे भाजपा, कि हम तो भाजपा को नहीं, ये पहले जो राहुल गांधी ने कहा उसके आइए ना। मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। इन्होंने कहा था कि हम भाजपा से, हम कांग्रेस से अच्छी राजनीति करके दिखाएंगे। आज क्यों ये एनसीआरबी का डाटा उठाकर देखिए, क्यों आज भी दलित मुस्लिम के साथ सबसे ज्यादा एट्रोसिटीज हो रही हैं इनकी सरकार में तो ये हिंदू 1980 में दलितों के साथ गलत होता था क्या? नहीं, आप 2023 की बात, 1980 में दलितों के साथ गलत होता था क्या, आप ये बताइए ना। फिर मैं भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ है, मैं पूछ लूंगी, 1980 में दलितों के साथ गलत होता था आपकी सरकार में, बताइए ना। देखिए मैं ये नहीं कह रही हूँ, राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, उन्होंने कंपैरिजन किया
एक समय में होता है दलित मुस्लिम सबके साथ, एक समय में किसकी सरकार थी जिसका जिक्र किया जा रहा है, मनुस्मृति जो चली आ रही थी, जो आज भाजपा मनुस्मृति लागू करना चाहती है इस देश के अंदर। और संसद में देखा था जिस तरीके से जो राजा है शहंशाह है वो अपना राज तिलक करा रहे थे, पूरे देश ने देखा है। नहीं चलेगा ना, एक तरफ या तो राहुल गांधी गलत कह रहे हैं या फिर टीना जी नहीं समझ पा रही हैं, दोनों में से एक चीज तो है ना। गांधी जी गलत कैसे कह रहे हैं, वो तो वो मतलब वो सही कह रहे हैं कि 1980 में, वो सही कह रहे हैं 1980 में दलितों पर अत्याचार होता था, उनके साथ गलत व्यवहार होता था, आपकी सरकार में ऐसा होता था, ये सही कह रहे हैं मैडम। तुलना की है एक समय में, अगर हजारों वर्षों का अगर दलित इतिहास उठाकर देखेंगे तो दलितों के साथ अत्याचार होता है, इसमें कौन सी बड़ी बात, मतलब आपकी सरकार में होता था, ये एक्सेप्ट कर रही है कांग्रेस पार्टी। आज की सरकार की अगर वर्तमान सरकार के साथ तुलना की जाए तो सबसे ज्यादा एट्रोसिटी दलितों के साथ हो रही है, मुस्लिमों के साथ हो रही है, उस पर मतलब आप देखिए उस चीज को तो एक्सेप्ट कर लीजिए ना, कि आप एक्सेप्ट भी कर रही हैं और आप एक्सेप्ट भी नहीं कर रही हैं, ये तो आप डिप्लोमेटिक आंसर दे रही हैं। डिप्लोमेटिक आंसर नहीं है ये, आंसर जो है ये भाजपा को पच नहीं रहा है क्योंकि भाजपा की जो कमियां हैं वो उजागर हो रही है। अब ये कह रहे हैं कि विदेश में जाकर, विदेश में जाके किस प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि एक समय में भारत का बताने में हमें शर्म महसूस, ये देश के प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट है, लेकिन इनके यहाँ जब देश का प्रधानमंत्री कुछ बोला है वो तो वाह वाह है। ठीक है शबनम जी, कुछ कहना चाह रही हैं शबनम, जल्दी से अपनी बात रखिए 10 सेकंड के अंदर जल्दी से। इनको नेहा जी, आप टीना जी से कितना भी प्रश्न पूछेंगे पर राहुल जी क्या बोलते हैं वो कांग्रेस के नेता को भी समझ नहीं आता कि वो जवाब दे सके। 80 के दशक की जो बात वो कहते हैं लेकिन सच्चाई मुंह पे आ जाती है, वो सिखों का नाम नहीं है यही बड़ी बात है। राहुल जी मंडला में भी जो सिखों के साथ अत्याचार हुआ उसको भी बता देते, 80 में दलित 84 में मुसलमान महिलाएं, तमाम ऐसी चीजें यूपीए सरकार के समय में हुआ जो जनता समझ चुकी है, तो अब इन्हें राजनीति मुश्किल लगने लगी है भारत की, और मुश्किल राजनीति में हिमाचल के चुनाव पे बोलेंगे कुछ, और आप मध्य प्रदेश में राजस्थान में देख लीजिएगा। मोदी जी की बातों पे जो वो बार बार कहते हैं कि मोदी जी को समझता है, तो मोदी जी के बातों को जनता मानती है, सर आंखों पे उन्हें उठा के रखती है, तो उस पर अगर कर्नाटक की जनता ने क्यों नहीं माना है, कड़वाहट की भावना है, कर्नाटक की जनता ने मोदी जी की बातों को क्यों नहीं माना, इतनी रैलियां की थी वहाँ पे, तो होने वाली है कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस पार्टी को पता है इसीलिए ये रोना रोया जा रहा है, इसीलिए बार बार राहुल गांधी जी जाके रोते हैं। राहुल गांधी का हाल वही है जो कमजोर विद्यार्थी नंबर कमाने पे सारा फेंका, टीचर पर होता है, वही है कि हर जगह से हताश होकर फेलियर होकर वो जाके विदेशों में, नहीं ये फेलियर हुए या नहीं हुए इसका ये इसका सर्टिफिकेट भारतीय जनता पार्टी तो नहीं देगी ना, ये तो जनता देगी। कर्नाटक में तो कर्नाटक में जो हश्र आप लोगों का हुआ है वो बताता है कि फेलियर तो नहीं कह सकते, वो तो कह रहे हैं कि नफरत के बाजार में मैं प्यार की दुकान खोलने चला था और मैंने खोला भी, और अब देश में खोलने की बारी आ गई, तो इसका सर्टिफिकेट भारतीय जनता पार्टी नहीं देगी। ठीक है ठीक है टीना जी, एक सेकंड टीना जी, सवाल सुन लीजिए, एक सेकंड ठीक है सवाल सुन लीजिए। राहुल गांधी ने ये भी कहा कि बीजेपी सरकार लोगों को और विपक्षी नेताओं को डराने और धमकाने के लिए काम कर रही है, केंद्रीय जांच एजेंसियां जैसे ईडी सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है, उन्होंने इस तरह की बातें न सिर्फ यहाँ कही, यहाँ तो चलिए बोलते ही रहते हैं, विदेश में जाके भी इस तरह की बातों को वो कहते हैं, ये कहाँ तक जायज है? टीना जी बोल लेते हैं फिर उनके बाद में आती हूँ जी, क्योंकि अगर हम इंडिया में भी कुछ बोलेंगे वो भारतीय प्रवासी के बीच में बोल रहे थे, अगर इंडिया में भी बोलते तो भी पूरे वर्ल्ड को सुनाई देता है, ग्लोबली वो आप मीडिया में आज कुछ भी बोलेंगे वो हर जगह जाएगा, ऐसा नहीं है कि उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप विदेश में जाके बताएंगे कि हमारे देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं है, हमारे देश में जो सांसदों को बोलने की अनुमति नहीं दी जाती, हमारे देश में जो माइक संसद में बंद कर दिया जाता है, आप लोग आइए हस्तक्षेप करिए, तमाम देशों से मैं अनुरोध करता हूँ, ये तमाम चीजें बोलेंगे क्या?
अडानी पर सवाल पूछा गया था, खामोश हो गई थी बिल्कुल सन्नाटा, क्योंकि वो मोदी जो है मोदी के दोस्त है, अब वो उनकी बात जिस तरीके का नैरेटिव बनाया गया राहुल जी के प्रति, आप देखिए कि बाहर भी लोग उनको कितना पसंद कर रहे हैं और जो वो बात बोल रहे हैं, ये नैरेटिव जो बनाया गया है, आपकी बात राहुल गांधी क्यों राहुल गांधी इस पे भी बात कर लेते हैं, राहुल गांधी जो भी बात बोलते हैं वो इनकी तरह नहीं बोलते कि तो आप बताइए ना कांग्रेस पार्टी का क्या आगे का एजेंडा है, आप ये बताइए ना कांग्रेस पार्टी आगे अगर सत्ता में आएगी क्या करेगी, आप बताइए ना कांग्रेस पार्टी किस ट्रैक पे चलती है, आप ये बता देंगे कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो हिंसावादी पार्टी है उसको हिंसावादी करार दे देंगे, आप अपनी पार्टी के बारे में बताइए ना, आप विदेश जाएंगे तो ये बताएंगे सीबीआई ईडी जो है गलत तरीके से काम करती है, भारतीय जनता पार्टी का नाम कितने शर्म की बात है, ये देश का दुर्भाग्य है, वो कह रहे देखिए रात में सोते समय भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं क्या राहुल गांधी के सपने में, कह रहे माला जपते हैं भारतीय जनता पार्टी के नाम की राहुल गांधी, ऐसा है क्या टीना जी? राहुल गांधी को क्या, राहुल गांधी कोई माला नहीं जपते हैं, जबकि मोदी जी और इनके टीम के लोग जो है वो आके बोलते रहते हैं, जब अभी स्मृति ईरानी बोलने लग जाएगी खानदान के बारे में, आज जब महिलाएं बैठी हुई थी प्रोटेस्ट पर इस तरीके से उनके साथ हिंसा हुई, वो महिला बोली, लेकिन राहुल गांधी जी पर बहुत जल्दी बोलने आ जाती है क्योंकि वो अच्छी एक्ट्रेस है, इसीलिए ना अच्छी एक्ट्रेस जो है वो अपना रोल जो है वो वही करे, लेकिन वो बोले नहीं महिलाओं अच्छा एक बात बताइए नहीं आप कहते हैं कि देखिए नफरत की दुकान, नफरत की जो बाजार है उसमें प्यार की दुकान मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए राहुल गांधी काम कर रहे हैं, सुनिए टीना जी सवाल इस बात को लेकर है कि जिस दौरान ये संबोधन अपना कर रहे थे या दे रहे थे राहुल गांधी, उसी दौरान कुछ लोगों ने खालिस्तान के समर्थन में नारे लगाए और उसका जवाब मुस्कुरा के राहुल गांधी ने दिया, इस मुस्कुराहट की क्या वजह समझे? उन्होंने जवाब क्या दिया कि नफरत के शहर में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ, ये राहुल गांधी है जो हमेशा मोहब्बत की बात करता है, वो ये कहते हैं खालिस्तान के समर्थन में नारे लगते हैं और वो मुस्कुरा देते हैं, नफरत की राजनीति उनको खालिस्तान के समर्थन में नारे लगते हैं और वो मुस्कुरा देते हैं, अभी इस मुस्कुराहट के पीछे की वजह क्या है? आप भाजपा से क्यों नहीं पूछ रही है कि कल उनकी नेत्री कैसे भाग रही थी जब उससे सवाल पूछा मीनाक्षी लेखी, पहले तो बड़ा भाषण दे रही थी, इनकी सरकार है, इनकी सरकार के फिर आपकी भी एक मात्र नेत्री सोनिया गांधी है, उनके बारे में भी बड़ी टिप्पणी होती है, जनता बहुत टिप्पणी करती है उनके बारे में, वो भी खुलासा करने का मौकी के लिए, आप तो खुद महिला है, आप तो खुद महिला है, हाँ तो आप भी महिला है, आप भी महिला है, इसलिए महिला की तरह बात करिए, सोनिया गांधी पे टिप्पणी बुरा लगता है और अन्य पे टिप्पणी आपको भाता है? नहीं सवाल यही है ना कि अगर खालिस्तान के समर्थन में नारे लग रहे हैं और उस पर भी मुस्कुरा दिया जाता है तो ये बहुत सारे सवाल खड़े करता है कि आखिर क्यों? नहीं ऐसा नहीं है, आप राजनीति को तो इन लोगों ने खराब किया ना, गन्ना इन लोगों ने बनाया, भाजपा के लोगों ने जिस तरीके से वहाँ भाजपा कैसे आ गई बोल रहा है, वहाँ भाजपा कैसे आ गई बोल रहा है, उस पर अटैक कर दिया जाए किसी भी तरीके से, सारी संस्थाओं पे आरएसएस और बीजेपी का कब्जा है, इसका मैं एक उदाहरण देती हूँ, उदाहरण ऐसे कि किसी भी विश्वविद्यालय में आप चले जाइए, आप पीएचडी हैं, आप डॉक्टरेट हैं, आपको साफ तौर पे कह दिया कि भाजपा विश्व में मजबूत है, वहाँ की संस्था पे भी भाजपा का ही जोर है, ये आपने मान लिया, अब इसके बाद तो राहुल गांधी को चुप हो जाना चाहिए। आप सोचिए ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है, सारी संस्थाओं में इन्होंने अपने आर एस एस भाजपा मजबूती से विदेश जाते हैं तो वहाँ भी भाजपा नहीं बोल वाला है, क्योंकि इनके लोग काम कर रहे हैं, किसका आरएसएस से लिंक है, जिसका नागपुर से फोन आया उसका काम होगा, जिसका नागपुर से फोन नहीं आया उसको रिजेक्ट नो सॉन्ग सुटेबल कर दिया जाएगा, यही देश की विडंबना है। ठीक है चलिए मैं बस वक्त की कमी है माफ कीजिएगा।
और वक्त नहीं दे पाऊंगे, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिसका डर था दरअसल वही हुआ, राहुल गांधी विदेश गए और विदेश में फिर एक ऐसा विवादित बयान दे दिया जिसने यहाँ की राजनीतिक सरगर्मी को और ज्यादा बढ़ा दिया। अब इस पर आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, कह रहे राहुल गांधी ने गलत बोला और कांग्रेस पार्टी उनका बचाव करने में पूरी तरह से लगी हुई है। लेकिन इसका क्या आगे प्रभाव पड़ेगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। पक्ष विपक्ष में इतना ही, नमस्कार।